दिल्ली एम्स में नर्सेज यूनियन की हड़ताल जारी है। दरअसल एम्स में सैकड़ों कर्मचारियों ने यूनियन अध्यक्ष हरीश कुमार काजला को निलंबित किए जाने का विरोध किया। नर्सिंग स्टाफ ने नारेबाजी करते हुए काजला का निलंबन वापस किए जाने की मांग की। यूनियन का कहना है एम्स प्रशासन ने नर्सों की सुरक्षा के मुद्दे पर कभी बात नहीं की, नहीं ध्यान दिया। साथ ही आवाज उठाने पर जबरन एक नर्सिंग अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, जो अलोकतांत्रिक है। इसलिए जब तक काजला का निलंबन वापस नहीं लिया जाता, यूनियन के अन्य पदाधिकारियों और मुख्य ऑपरेशन थिएटर की नर्सों को दिए गए नोटिस वापस नहीं लिए जाते, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। पूरे एम्स के अंदर जो ड्यूटी आवर्स है, यानी कि ड्यूटी करने का एक स्ट्रेच टाइम है, वो सुबह आठ से दो बजे से आठ और रात को आठ से सुबह आठ तक होता है। इसमें महिलाओं को क्या टाइम मिल जाता है अपने घर पहुंचने का, सुरक्षित पहुंचने का। लेकिन एक मेन हॉस्पिटल की एक मेन ओटी है जहाँ का टाइमिंग 9 बजे तक है शाम को। अब आप ये कल्पना कीजिए कि सर्दी के टाइम में और रूटीन टाइम में भी 9 बजे अगर कोई आदमी अपने वर्किंग प्लेस से निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसे टीजिंग का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छेड़खानी का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ को लेकर हमारी फीमेल नर्सिंग ऑफिसर बहुत दिनों चिंतित थी और यूनियन को अप्रोच किया था। यूनियन ने इसके आगे डायरेक्टर को चिट्ठियां लिखी बार बार, लेकिन बार बार रिफ्यूजल आया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।